गाइस ये MI 3S प्राइम है, 2016 का मॉडल। मैंने तब ख़रीदा था 9,300 रुपये में, 300 रुपये एक्स्ट्रा देके ख़रीदा था इसको। अभी भी आप देख सकते हो इसकी कंडीशन, ओरिजिनल बैटरी है, आज तक कुछ रिपेयरिंग काम नहीं किया हुआ है, कभी तक ओपन भी नहीं किया हुआ है। काफ़ी अच्छा डिवाइस है, अभी भी परफॉर्मेंस इसका अच्छा है। यहाँ पर हम कैमरा चेकआउट करेंगे तो यहाँ पर कैमरा की क्वालिटी भी आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छी कैमरा क्वालिटी है। और यहाँ पर यह फ्रंट साइड की कैमरा क्वालिटी भी आप चेकआउट कर सकते हो। 2016 का मॉडल है, फिर भी जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। अब हम बात करने वाले हैं इसके रैम के बारे में। तो 3 GB रैम है और 32 GB इंटरनल स्टोरेज है मेरे ख्याल से। यहाँ पे चेकआउट कर लेते हैं अबाउट में, तो यहाँ पे 3 GB रैम है, 32 GB इंटरनल स्टोरेज है। लेकिन इत्तेफाक की बात यह है कि 32 GB तो अभी किसी को चलता नहीं है, तो मैंने अंदर स्टोरेज बढ़ाने के लिए डाला है 512 GB का मेमोरी कार्ड। 512 GB का मैंने मेमोरी कार्ड डाल के रखा है ताकि मेरी जो नीड है स्टोरेज की वो ख़त्म हो जाए। मतलब कुछ भी स्टोरेज करना तो मेरे लिए ये फ़ोन सबसे बेस्ट है, क्योंकि अभी भी स्मूथली काम करता है। कैमरा क्वालिटी भी आप लोगों ने देख लिया, अच्छा खासा परफॉर्मेंस है। यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर है, एक सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड हम इसको यूज़ कर सकते हैं, प्लस हम शायद 2 सिम कार्ड यूज़ करना चाहो तो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल मैंने अपना VI का सिम डाला हुआ है, जो कि नेटवर्क के मामले में 4G नेटवर्क कवरेज ले लेता है और नेट भी अच्छा खासा चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है नॉर्मली यूजिंग के लिए। बैटरी बैकअप आज के डेट में भी इसका बहुत ही अच्छा है। 2016 का मॉडल है, फिर भी ऑलमोस्ट 8 साल होने वाला है अगस्त महीने में, 2024 के अगस्त महीने में 8 साल होने वाला है इसका। अभी भी एक भी डेंट नहीं है, एक भी स्क्रैच नहीं है डिवाइस में, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है ये डिवाइस का। अगर आप लोगों ने कभी भी ये डिवाइस यूज़ किया हो MI का 3S प्राइम, तो दोस्तों कमेंट जरूर करना कि कैसा है परफॉर्मेंस, क्योंकि अभी जो आ रहा है वो रेडमी सीरीज़ आ रही है। पहले आती थी वो MI सीरीज़ आ रही थी, MI Note 4, उसके बाद MI Note 5 Pro, MI Note 6 Pro, उसके बाद रेडमी सीरीज़ आ गई, Redmi Note 7 Pro, Redmi Note 8 वगैरह वगैरह। उससे पहले MI का जो प्रोसेसर था वो काफ़ी अच्छा चल रहा था, अभी के प्रोसेसर थोड़े एवरेज टाइप के हैं। ये उस टाइम पे मैं इसमें PUBG खेला करता था और PUBG काफ़ी स्मूथ चलता था, परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था ये डिवाइस में PUBG का भी, और कैमरा क्वालिटी आज की डेट में काफ़ी अच्छा है। अगर आप लोगों के पास है Redmi का 3S प्राइम तो आप कमेंट कीजिए कि परफॉर्मेंस किस लेवल का है। वीडियो अच्छा लगे ऐसे ही मैं गैजेट्स बार बार YouTube पे अपलोड करता रहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और कमेंट करना ना भूले कि ये डिवाइस कैसा है।